नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। कोविड संकट के बीच कांग्रेस पार्टी पर नई मुसीबत आ गई, या यूं कहें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर नई मुसीबत आ गई। ईडी ने कांग्रेस की प्रकाशन संस्था एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी AJL के मैनेजिंग डायरेक्टर और सोनिया के करीबी माने जाने वाले नेता मोतीलाल वोरा की संपत्ति कुर्क कर ली। ईडी की ओर से शनिवार को जारी प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में ये एक्शन लिया गया। ईडी ने कहा कि कुर्क की गई संपत्ति मुंबई में 9 मंजिला इमारत है, इसमें 2 बेसमेंट भी हैं और 15,000 स्क्वायर मीटर में बना हुआ है। इसकी कुल कीमत 120 करोड़ रुपए है, इसमें से 16 करोड़ 38 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई। इमारत बांद्रा ईस्ट में EPF ऑफिस कला नगर के पास प्लॉट नंबर 2 और सर्वे नंबर 341 पर। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया। ईडी ने पिछले साल मोतीलाल वोरा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। पंचकुला के सेक्टर 6 में प्लॉट नंबर C-17 की खरीद कब्जे से जुड़ी प्रक्रिया में प्रत्यक्ष तौर पर शामिल होने के कारण इनके नाम चार्जशीट में। बता दें कि AJL पर गांधी परिवार का कंट्रोल है। AJL ही नेशनल हेराल्ड अखबार को चलाता है। नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उस समय से ये अखबार कांग्रेस का मुखपत्र माना जाता रहा। अखबार का मालिकाना हक एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी AJL के पास था। आजादी के बाद 1956 में एसोसिएटेड जर्नल को अव्यवसायिक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया। साल 2008 में AJL के सभी प्रकाशनों को निलंबित कर दिया गया और कंपनी पर 90 करोड़ रुपए का कर्ज भी चढ़ गया। कांग्रेस नेतृत्व ने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक नई अव्यवसायिक कंपनी बनाई, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित मोतीलाल वोरा, सुमन दुबे, ऑस्कर फर्नांडिस और सैम पित्रोदा को निदेशक बनाया गया। नई कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास 76% शेयर, जबकि बाकी के 24% शेयर अन्य निदेशकों के पास थे।